नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है आखिरी गेंद तक लड़ाई। कॉलम निगार हैं हम्माद गजनवी और आवाज़ है एहसन इकबाल की। अगर आप भी नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। क्या आपको पाकिस्तान के अगले वजीर आजम का नाम मालूम है? शायद ही कोई यकीन से इस सवाल का जवाब दे सके। और अगर आपसे पूछा जाए कि आने वाले 3 वज़राए आज़म का नाम बताएं, तो यकीनन आप सवाल करने वाले की ज़हनी हालत पर गहरी तशवीश महसूस करेंगे। इसी तरह अगर आपसे पाकिस्तान के अगले 4 चीफ जस्टिस का नाम मालूम किया जाए तो आप समझ जाएंगे कि सवाल करने वाला फने ज़राफ़त में दरक रखता है। दूसरे सब इदारों का भी यही मामला है। अगला चीफ सेक्रेटरी, अगला गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगला सफीर पाकिस्तान बराए वाशिंगटन, अगला ये, अगला वो, हम नहीं जानते कौन होगा। मगर हमारा एक इदारा, सिर्फ और सिर्फ एक इदारा ऐसा भी है जिसने एक मुकद्दस चट्टान में अपने आने वाले सरबराहों के नाम खोद रखे हैं। ख़वातीनो हज़रात, वो इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आने वाले 5 चीफ जस्टिस का नाम हमें मालूम है। हमें ये भी मालूम है कौन कितने साल कितने महीने कितने दिन तक चीफ जस्टिस रहेगा। हम ये भी जानते हैं कि 2032 में चीफ जस्टिस की मसनद पर कौन साहब जलवा आरा होंगे। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामलात में ये कतईयत, ये तयक्कुन, ये हतमियत किस तरह हासिल की। किस्सा ये है कि जब सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और कानूनी हलकों की भरपूर हिमायत से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने दोबारा अनान अदालत संभाली तो उन्हें मुतलकुल अनान होते ज्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट और हुकूमत से बुलंद बाला किरदार तख्लीक किया। सिफत खलाकी के इस मुजाहरे में उन्हें सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस जैसे नज़रियात को तहोबाला करना पड़ा, यानी जमहूरी निज़ाम के असास को तहोबाला करना पड़ा। नतीजा ये निकला कि हुकूमत और मुकन्नना के कई फैसलों को अदालत ने धज्जी धज्जी करना शुरू किया और वज़राए आज़म को बेतौक़ीर करके इनके ओहदे से हटाने का फरीजा भी मौज़िज़ जजों ने बकलम खुद संभाल लिया। इन्हीं फतूहात में मंदरजा ज़ैल चौकियाँ भी शामिल थीं। जज खुद जजों को लगाएंगे, जज खुद जजों को निकालेंगे, जज अपनी तनख्वाहें और पेंशन भी खुद तय करेंगे और इस सारे अमल में पार्लियामेंट का किरदार अमली तौर पर खत्म कर दिया गया। पार्लियामेंट को बाकायदा धमकी देकर 19वीं तरमीम मंजूर करवाई गई और अदालत की किलाबंदी मुकम्मल कर ली गई। इस दौरान वकला की चैम्बर पॉलिटिक्स के नतीजे में नए जज बनाने का अमल मुस्तहकम तर हुआ। अगर कागज़ पर देखें तो सीनियोरिटी के उसूल पर चीफ जस्टिस बनाना कतन कोई मायूब अमल दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इस निज़ाम के अंदर झांकें तो आंखें खुल जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की ज्वाइनिंग डेट एक दिन आगे या पीछे करके ये तय कर दिया जाता है कि कौन 10 साल बाद चीफ जस्टिस बनेगा और कौन नहीं, यानी दिहाइयों के लिए फील्डिंग सेट कर दी जाती है। अगर कोई आईनी तरमीम इस चरखे को रोक सके तो क्या ही अच्छा हो। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पैकेज में और क्या कुछ शामिल है, ढंग की बातें कितनी हैं और रतब व याबिस कितना, ये तो फाइनल पैकेज सामने आने पर ही मालूम होगा। लेकिन फिलहाल हमें ये मालूम है कि तमाम तर मुल्की सियासत इन्हीं तरमीम के गिर्द महवे तवाफ हैं। झगड़ा बहुत सीधा सादा है। इमरान खान और इनकी जमात ने ये तासुर दिया है कि अगला चीफ जस्टिस इनका आदमी है जो मौजूदा हुकूमत का खात्मा कर देगा, इमरान को जेल से रिहा कर देगा और मुस्लिम लीग नून और PPP के रहनुमाओं पर मुकदमा ताज़ा कर देगा। बिलाशुबा कुछ अदालती फैसलों ने इस तासुर को तकवियत दी है। हुकूमत घबरा गई और इसे अपनी बका की जंग करार देकर आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हो गई। मुक्तदरा भी इसी ख्याल की है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खुदा खुदा करके मईशत कुछ पटरी पर चढ़ना शुरू हुई है। IMF पैकेज, अफरात ज़र में कमी, इंटरेस्ट रेट में कमी और इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी वगैरह जैसे मस्बत इशारों को मुस्तहकम तर करने की ज़रूरत है, लेकिन इन सब मंसूबों के सामने डट के खड़ा है कप्तान। इमरान खान भी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। वो भी कायल हो चुके हैं कि सिस्टम के अंदर से उन्हें सिर्फ अदालत के एक हिस्से से मदद मिल सकती है और आईनी तरमीम का झोंका इस आखिरी चरागे उम्मीद को बुझा सकता है। ये जो कुछ कुछ दिन बाद अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर ताख्त करते हैं तो ये इसी कजिए की एक कड़ी है। ड्रामे की आखिरी किस्त चल रही है, जो कट्टा कट्टी निकलना है अगले 2 हफ्तों में निकलना है। इमरान खान का राबता अपने मनसबदारों से तोड़ दिया गया है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लश्कर को मालूम है आखिरी हद तक जाना है। जस्टिस सज्जाद अली शाह का दौर याद आता है, जब 2 मुतवाजी सुप्रीम कोर्ट आमने सामने बैठ गई थी। भारत के सीनियर जजों की एक बागियाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दर याददाश्त पर दस्तक दे रही है।
इधर फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के नाम पर वो सब असहाब इकट्ठे हो गए जिनकी मुलाकात आईनी तरामीम के लिए जरूरी समझी जा रही थी। मौलाना आईनी तरामीम के कुछ पहलुओं की हिमायत का पहले ही इंदिया दे चुके हैं। केपी की मौजूदा मुतलातुम सियासी हालत में रियासत और हुकूमत मौलाना को नाराज करने की पोजीशन में नहीं है। शुनीद है कि हुकूमत भी लोटों के वोट से आईनी तरामीम मंजूर करवाना नहीं चाहती। चलते चलते एक मासूमाना सवाल, क्या आप पूरे वसूख से बता सकते हैं कि पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।